हेलो दोस्त नमस्कार, आप देखना शुरू किए हैं पुपरी एक्सप्रेस तक। अभी हम जनकपुर रोड नगर परिषद रेलवे स्टेशन जनकपुर रोड के 34 नंबर गुमती पे अभी हम पहुंचे हैं, और यहां पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से पहले 34 नंबर रेलवे गुमती जो गाड़ी को और आम आदमी को आगमन के लिए जैसे पहले थी, उस तरीके से अब उसको पूरे संपूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि 34 नंबर रेलवे गुमती पे अभी इसका काम चल रहा है, पूर्ण तरीके से इस गुमती को बंद किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस लाइव में आप जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको हम आगे का बताएंगे किस कारण से इसे बंद किया जा रहा है। आप इस लाइन में जुड़े और आप लोग जल्द से जल्द जुड़े और पेज को शेयर करें, वीडियो को लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे संपूर्ण तरीके से इस 35 नंबर के रेलवे गुमती को बंद किया जा रहा है, 34 नंबर रेलवे गुमती को। और आप लोग जल्द से जल्द लाइव में जुड़े आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव वीडियो सेशन को ज़रूर शेयर करें। अभी हम जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन के 34 नंबर रेलवे गुमती के पास अभी हम आके आप लोग को लाइव दिखा रहे हैं जिस तरीके से पहले ये गेट आगमन के लिए खुला हुआ करती थी, अब ये इस गेट को पूर्ण तरीके से अभी बंद किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं इस लाइव पुपरी एक्सप्रेस पेज पर आप लोग लाइव तस्वीर, अभी आप लोग को हम सीधा यहाँ से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं और आप लोग जरूर जरूर इस वीडियो को शेयर, एक एक शेयर जरूर लगा दे आप लोग। और यहाँ पे देख रहे हैं जेसीबी द्वारा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्ण तरीके से यहाँ पे बंद कर दिया गया है। और ये इस रास्ते से जनकपुर रोड मार्केट मधुबनी बस स्टैंड होते हुए ये रास्ता, पहले आप देख सकते हैं कि पहले ये मुजफ्फरपुर निकलती थी ये रास्ता, और अब पहले से रेलवे के ओवरब्रिज, फ्लाई ओवरब्रिज के थ्रू बनाया गया है, उसके बाद आगमन अब उसके ऊपर किया जाता है सभी बड़े छोटे गाड़ियों का। और उस तरीके से अब फिलहाल इस गेट को बंद किया जा रहा है पूर्ण तरीके से। आप लोग जरूर लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस गेट को क्यों बंद किया जा रहा है, इस गेट को क्यों बंद किया जा रहा है? क्या मैं यहाँ पर नाला बने इधर पानी रहेगा, पानी रेलवे का। अच्छा,
पानी बहाव के मौसम में उस नाला में गिर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से हमें पता चला है कि इसलिए बंद किया जा रहा है कि ताकि जो रेलवे पटरी पे पानी यहाँ लग जाया करता था उसको निकासी के लिए यहाँ नाला बनाया जाएगा, इसी के लिए यहाँ पे इसको बंद किया गया है। और यहाँ पे जैसे भी तो द्वारा यहाँ नाली का निर्माण किया जा रहा है। आप लोग इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।